थोड़ा साइड साइड होके चलिए थोड़ा सा। और वो गाड़ी में तो नहीं है क्या? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नेपाल जाने के लिए इतना जाम होगा भाई, गजब। इतना भीड़ है, कार देख रहे, काफिला लगा हुआ, सॉरी कारवा लगा हुआ है। अभी यहाँ के लोगों से कुछ पता चला तुमको? हाँ, आज पहली बार मैंने लाइफ में देखा है इतना भीड़ नेपाल जाने। अरे बोल रहा है कि सुबह से जो लगा है अभी कुछ देर पहले पहुँचा है बॉर्डर के पास। और यहाँ से बॉर्डर बस 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर यहाँ से बस बॉर्डर है। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना जाम होगा, और इसके चक्कर में ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। एक तो हम लोग लेट आए हैं, ऊपर से और लेट हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। ये लोग फिर आ गया जाम, टाइम तो लगेगा हम लोग को भंसार पे, क्योंकि भंसार पे जैसे जितना गाड़ी दिख रहा है उसके हिसाब से भंसार कटाने के लिए भी लोगों का बहुत भीड़ होगा, वहाँ पे लाइन लगा होगा पक्का, और वहाँ पे टाइम लगेगा तो पता नहीं हम लोग पहुँचेंगे कब। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी हम लोग इंडिया में ही है, नेपाल में एंटर भी नहीं किया अभी तक, और ये भी जाम खत्म ही नहीं हो रहा है, गाड़ियों का कारमा लगा हुआ है यहाँ पे। कुछ राहत सी हो रही है क्योंकि हम बॉर्डर के पास पहुँच चुके हैं। नहीं पहुँचे अभी भी, थोड़ी अभी और दूर। बाबा कहीं साइड हो जाओ बाबा। भीड़ देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं आज लग रहा है सब नेपाल उठ के आ गए, कोई इंडिया में है ही नहीं, इतना ज्यादा क्राउड है पूछो ही मत। जहाँ आने में 2 मिनट का समय लगा, वहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। किसी और दिन आइएगा आप तो वो पूरा खाली ही मिलेगा। हाँ, कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे। बट हाँ, एक बात ये भी है, आज के डेट में घूमने का मजा ही कुछ और है। हम लोग ने भी यही सोचा था, साइड से हमेशा तो घूमते ही है, बट आज घूमने का मजा कुछ अलग है, और ये संघर्ष करके जो हम लोग जा रहे हैं इसका तो मजा ही कुछ और है। जब हमें मंजिल मिल जाएगी तब और ज्यादा मजा आएगा हमें, अभी मंजिल नहीं मिली है, पहले मंजिल बॉर्डर है। अबे यहाँ देखिए, लोगों को अगर रोड नहीं मिल रही है तो वो लोग खेतों से आ रहे हैं, वो खेत खोकर लोगों को आना पड़ रहा है, जुगाड़ लगा के लोग आ रहे हैं। अब दिखाओ, सीधा सेंटर में, खतरों का खिलाड़ी बन चुका है यहाँ पे, एक पर एक लोग स्टंट दिखा रहे हैं कि कैसे भी जो नेपाल चले गए हैं उनको तो मजा आ रहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक गए नहीं है उनको थोड़ी सी तकलीफ, नहीं थोड़ी बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है कि अभी तक जाम नहीं फंसे हुए हैं, और कब तक वो लोग यहाँ। अभी हम लोग वहाँ पे थे और इधर से हम राइट मार के अब हम खेत के रास्ते जा रहे हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि आगे रास्ता में मिलेगी कि नहीं, आगे है रास्ता निकलने का क्या? अरे उसको जाने दीजिए, पहले पता चला वो घूम के आ रहा है। निकल जाएगा। वहां तक चला गया तुमने? अरे भाई निकाल, तुम्हारे भरोसे रुक के है। अब हम लोग ने खेतों पर हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आज कैसे भी नेपाल पहुंचाया जाए जो हो जाए, कैसा भी रोड मिले, ये ऊपर कितने दूर है नेपाल पहुंचना है पहुंचना। उतरो भाई, उतरो ना, अब हमें धक्का नहीं मारना पड़े। बड़ी तुम चलो आगे, चलो हमारे क्या करोगे भाई यार, पीछे से गाड़ी इतना नजदीक में मत रुका करो। वीडियो ऑन ही, तो अब हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए, और एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये भी है कि हम पेट्रोल नहीं डलवाए हैं गाड़ी में, हम सोचे थे नेपाल में ही डलवाएंगे आराम से, वहाँ पे थोड़ा सस्ता भी रहता है, इस बहाने ये भी डर है मुझे कि गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए। निकल जाएगा, हाँ चला जाएगा, गलती से निकल जाएंगे हम लोग शायद, लग रहा है क्योंकि आगे वाला बाइक ना निकल चुकी है। हाँ शायद निकल जाए, देखने वाली बात होगी। ऊपर के लोग तभी भी जाम में फंसे हैं और हम ही लोगों को देख रहे हैं कि आकाश हमारे पास भी बाइक रहता तो हम लोग जल्दी निकल जाते हैं, पैदल आना भी मुश्किल है। थोड़ा साइड होके चलिए थोड़ा सा। कहा भैया गाड़ी ना निकली है,
इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी को निकलते हुए देखते हैं और वो गाड़ी में तो रहे हैं क्या रास्ता। अब मुझे लग रहा है मुझे भी डाका लगाना पड़ेगा पीछे से। आज ये नहीं सुना जाएगा कि आप है वहां पे। अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी नहीं पहुंचे। ये समझो ना, इस साइड इतना भीड़ है तो उस साइड भी हो सकता है ना। उस साइड तो रोड है, फोर लाइन है, उस साइड उतना टेंशन नहीं है। अब पता नहीं, देखने में पता चलेगा भाई। जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत मजा है। वो भंसार भी कट जाए ना तो वो हाँ, दिक्कत ये भी है, भंसार कटाने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा और कटेगा कि नहीं कटेगा वो भी नहीं पता। बहुत इंतजार करना पड़ेगा, पूरा लंबा लाइन है। सबके ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, यहाँ 2 किलोमीटर आने में 1 घंटा लगा। भरोसा मत तोड़ो, किसी को बोलो 10 मिनट में निकल जाएंगे। भरोसा मत तोड़ो, झूठी दिलासा देना बेकार है। 1 घंटा का फाइनली अभी हम लोग नेपाल में एंटर करेंगे और ये हम कर चुके हैं। नेपाल में फाइनली एंटर कर चुके हैं। आगे बॉर्डर है, वहाँ पे देखते भंसार का क्या सीन है, कट भी रहा है या नहीं भी कट रहा है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है भंसार बंद होने का। कहीं आज ज्यादा देर तक कहीं खुला रहा है, आगे का वीडियो दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, बॉर्डर आ चुके हैं तो बॉर्डर भंसार कटने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग एंटर कर चुके हैं नेपाल में, भंसार वगैरह सब कुछ कट के भंसार कटाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगा है और एंटर है नेपाल। अब मजा आएगा बंधु। बहुत ज्यादा संघर्ष करके हम लोग फाइनली नेपाल में एंटर कर चुके हैं। जितना भी प्रोसेस होता है चेकिंग, भंसार, वीजा और सब पूरा करके नेपाल में, और चलते हैं आप जनकपुर धाम, वहाँ पर घूमेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो नेपाल। पेट्रोल पंप का आ चुके हम लोग, यहाँ का पेट्रोल पंप देख सकते हैं कैसा है भाई। हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे गाड़ी में फ्यूल नहीं था, देख सकते हैं ई से भी नीचे आ चुका है इंडिकेटर, यहाँ तक है। तो क्राउड का उतना दिक्कत नहीं था जितना मुझे फ्यूल का दिक्कत था, क्योंकि अगर रास्ते में अगर खत्म हो जाता ना तो ज़्यादा ही और ज़्यादा फंस जाते हो। इंडिया के लोग आज भरे पड़े हैं, नेपाल के लोग सब घर में सोए होंगे और इंडिया के लोग सब यहाँ पे धूमधाम मस्ती घूम रहे हैं, फुल मजा। अभी हम आ चुके हैं जानकी मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर बहुत ही अच्छा सजाया गया है, लाइटिंग है अच्छे से और क्राउड देख सकते हैं, पूरा जो ये कंपाउंड है कैंपस पूरा भरा हुआ है और सामने माता का मंदिर है। और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेशन है, कम है, जिसके कारण हमें रिटर्न भी जाना है, तो इसलिए